मैं एमबिट ट्रेनर, मैं हूं सौरभ ठाकुर और हम आज के एप्टीट्यूड सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हो सकता है आप में से सारे के सारे बच्चों ने सारे के सारे सेशंस देखे होंगे, बहुत बढ़िया बात है। बस हमारे साथ पैरेलल नोट्स बनाते जाइएगा। जो बच्चे हमारे साथ हो सकता है कि अभी कुछ के पहले कुछ वीडियोज देखे होंगे और हो सकता है आप पहली बार मुझे देख रहे होंगे, बस ये चीज़ मैं आपको बोलूंगा कि बस जो भी आप सुने साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। मैं एग्जैक्टली पूरी क्लास तो रेप्लीकेट नहीं कर पाऊंगा ऑनलाइन, क्योंकि क्लास में हमारे पास बहुत टाइम होता है इसमें हमारे पास, लेकिन जितना भी टाइम रहेगा लिमिटेड टाइम, मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि हम अपनी तरह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। इन सेशंस में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वांट, DILR, वर्बल एंड करंट अफेयर्स, जिसको मैं कंटेंट डेवलपमेंट सेशन बोलता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अक्टूबर 2018 का महीना समय है, ये सेशन किसके लिए उपयोगी है? सो वो सारे के सारे बच्चे जो इंडिया कोई भी एप्टीट्यूड ओरिएंटेड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो MBA हो, चाहे CAT, IIM हो, ZAT, IFT, SNAP, NMAT, CMAT, MAT, MHCT, कोई भी एग्जाम हो, इसके अलावा जो भी जॉब रिलेटेड एग्जाम हो, जैसे कि बैंक, SSC, रेलवे, FCAT या फिर कैंपस का एग्जाम, या फिर इसके अलावा GRE, GMAT का भी एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। मैं आपको ये जरूर प्रॉमिस करता हूँ कि आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे होंगे, इन सेशन से आपको आपकी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। बस एक ही चीज़ प्रीरिक्विजिट है, आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलेगा, धीरे 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 आपके पास बहुत बेहतरीन नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे। आपको बस मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि चाहे आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे फेसबुक में, जहां पर भी देख रहे होंगे, आप यूट्यूब में हमारे चैनल MBA ट्रेनर सौरभ ठाकुर में एक बार जा सकते हैं और इस तरह के हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस, 150 से ज्यादा वीडियोस हम लोगों ने बना रखे, एक बार चाहे तो आप वहां पे जाके भी आपके हिसाब से उसका फायदा उठा सकते हैं। फाइन, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आज मैंने लिया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बढ़िया सिंपल सा कंसेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से बढ़िया कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछता, लेकिन इसको हम लोग सिंपल रखते हैं। एक बात आइए, आप एक शॉप में गए, वहाँ पे उन्होंने आपको एक जीन्स दिखाया और उन्हें ये जीन्स, आपने बोला कि सर एक जीन्स दिखाई है, तो उन्होंने एक जीन्स दिखाया आपको, ठीक है। अब जब उन्होंने जीन्स दिखाया तो इसमें प्राइस टैग लगा हुआ है, ये रहा प्राइस टैग, और इसमें लिखा हुआ है 1000 रुपये, ठीक है। अब ये बताइए, ये 1000 रुपये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है कि मार्क प्राइस है? बिल्कुल सही बात है, यह मार्क प्राइस, जो प्राइस के ऊपर लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस। वैसे आप साइड में लिख के रख लीजिएगा, उसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, MP, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो बच्चे SSC का एग्जाम दे रहे हैं तो SSC में एक और वर्ड आता है लिस्ट, LIST, लिस्ट, लिस्ट प्राइस। SSC में एक और वर्ड रहता है वो है कैटलॉग, CATALOGUE, कैटलॉग प्राइस। SSC में ही एक और वर्ड कई बार वो लोग लिखते हैं और वो है ओरिजिनल प्राइस। ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी नाम एक ही हैं और मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ मार्क प्राइस के नाम से बोलना, ठीक है। तो ये कीमत हो गई मार्क प्राइस, ये रही मार्क प्राइस। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगी इसमें, ये रहा मार्क प्राइस। अब इस शॉपकीपर ने आपको बोला कि सर मैं आपको ना 20% डिस्काउंट दूंगा, बढ़िया बात है। हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है, अनलेस मेंशन अदरवाइज, कुछ और ही बोल देते एक अलग बात है, बाकी कुछ नहीं बोला गया तो हमेशा मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मार्क प्राइस पे हमने दिया डिस्काउंट और यहाँ से आ गया सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट हम लोगों ने कहाँ पे दिया? हम लोगों ने डिस्काउंट दिया यहाँ पे, मतलब मार्क प्राइस पे। वंस अगेन फिर से बोलूंगा, स्पेशली बैंक और SSC के एग्जाम्स के लिए, जो बच्चे बैंक SSC एग्जाम देंगे, आप लोगों के एग्जाम में इसी डिस्काउंट को एक और वर्ड के नाम से बुलाया जाता है और वो वर्ड है कमीशन। ध्यान रखिएगा इस बात को, उसे बोला जाता है कमीशन। तो आप लोग के में डिस्काउंट परसेंटेज या कमीशन परसेंटेज, दोनों वर्ड लिखा जाता है, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस, मैं डिस्काउंट के नाम से बोल रहा हूं। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। एक और चीज होती है, हालांकि मार्जिन परसेंटेज जब DI डिस्कस करूंगा तो आपसे डिस्कस करूंगा, वो सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में डिस्कस निकाला जाता है, अदरवाइज प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। एक जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं नोट करके, नोट में आप लिख दीजिएगा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मतलब गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, ये जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा CP के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर गेन हो रहा है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, लॉस हो रहा है तो नेगेटिव में आ जाएगा। और इसी तरह से एक और चीज़ होती है मार्जिन परसेंटेज, ये जरा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, स्पेशली DI के लिए और स्पेशली SSC वाले बच्चे जो SSC के एग्जाम आप लोग जो देने वाले हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस, ये होता है सेलिंग प्राइस, ये इस पर थोड़ा नजर रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको बोलते हैं मार्जिन परसेंटेज।
ठीक है। अब आप देखिए क्या हुआ, शॉपकीपर ने आपको बोला कि सर ये 1000 रुपये इसका कीमत है, मतलब वो जो शॉपकीपर आपसे कहना चाह रहा हुआ 1000 रुपये मार्क प्राइस है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक के? शॉपकीपर ने बोला कि सर मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो 1000 रुपये अगर इसकी कीमत है तो शॉपकीपर आपको कितने में दे रहा है ये जीन्स? 800 रुपये में। समझने के लिए मान लीजिए अगर आपने इसको खरीदा होता 500 में, आपने खुद या तो आप मैन्युफैक्चरर हैं या तो आपने किसी से खरीदा है, जो भी है 500 रुपये आपकी लागत है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज अभी मैंने आपको बताया कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस जो कि कितना है 800 माइनस कॉस्ट प्राइस जो कि कितना है 500 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इन टू 100। तो 800 माइनस 500 हो गया 300, तो ये हो गया, मैंने लिख दिया 300, 300 डिवाइड बाई 500 मतलब 60%। तो पहले इससे अकस्टम्ड हो गए आप, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस पर, इससे अकस्टम्ड हो गए। अब इसका आप यूसेज देखो, तो ये तो मैं तो मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है, बाकी आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। इनफैक्ट अभी 2017 में भी कुछ एग्जाम से पूछा गया, और एक और जैसे कि कैटवेट के एग्जाम में भी आप देखेंगे तो आजकल बहुत सारी चीज़ नॉन एमसीक्यू है उसमें भी आता है। बैंक वैंक के एग्जाम में प्रॉफिट लॉस, जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ परसेंटेज टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। दो टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज। परसेंटेज में परसेंटेज, मिक्स एलिगेशन, CISI, प्रॉफिट लॉस, एवरेज कंसेप्ट, वर्क एंड टाइम बिल्कुल नहीं छोड़ना है इनको, ठीक है। वर्क एंड टाइम को दोनों तरीके से बना सकते हैं, अलजेब्रा से भी और परसेंटेज से एक्चुअली। अब आप देखिए इसका बढ़िया एप्लीकेशन, ये रहा मार्क प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस। तो अगली बार कभी भी आप ये वर्ड्स देखोगे ना, इनको तीनों को लाइन से धड़ाधड़ लिख देना, ठीक है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट। नेक्स्ट टाइम कभी भी वर्ड आता है सीधा इनको लिखो। अब आप देखो हमने क्या कहा, डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अग्री करता है, ये बोला हम लोगों ने, इससे आप अकस्टम्ड हो चुके ना, बस फिर प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब आप दूसरा पॉइंट मेरा सुनिए, हमेशा ना सेलिंग प्राइस को जंक्शन के रूप में यूज कीजिए। कैसे? देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ, कैसे लैंग्वेज है, इन स्पाइट ऑफ गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, एक शॉपकीपर, आप एक शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर ने आपको 20% का डिस्काउंट दिया, अग्री करते हैं। मैंने आपको बोला बस एक बात ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस को ऐसा जंक्शन यूज करो, मतलब अगर इसकी कीमत है ₹X तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, 4/5 बोल दो आप, अग्री करते हैं। या तो फिर अगर आपको डेसिमल अच्छा लगता है तो एक काम करते हैं, मैं डेसिमल लिख देता हूँ 0.8x, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे। तो लैंग्वेज ये, इन स्पाइट ऑफ गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% द शॉपकीपर स्टिल मैनेजेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ, मैनेज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ क्या, लेट अस सपोज प्रॉफिट बोला गया है, लॉस नहीं बोला गया, 25%। द शॉपकीपर स्टिल मैनेजेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। मैंने आपको बोला एसपी को जंक्शन की तरह यूज कर दो, सुनो ना, सीपी को हम लोगों ने वाई डिफाइन कर दिया, यहां पे आ जाओ, यहां पे आए तो कितना हो गया ये 5/4 वाई बोल दीजिए, या अगर आपको डेसिमल अच्छा लगता है तो 1/25 वाई बोल दीजिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्या क्या बोला मैंने? दो ही वर्ड का गेम था, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट लॉस। मैंने बोला आप ये इसको ध्यान रखिएगा, समय आने पर हम लोग इसमें आपको इसके और बेहतरीन एप्लीकेशन बताऊंगा, लेकिन एमपी एसपी सीपी, डिस्काउंट हमेशा एमपी के रेस्पेक्ट में देता, प्रॉफिट लॉस हमेशा कैलकुलेट करते हैं सीपी के रेस्पेक्ट में। शॉपकीपर ने आपको बोला सर मैं आपको 20% का डिस्काउंट देता हूँ, ये रहा। मैंने बोला एसपी को जंक्शन के रूप में यूज करो, इन स्पाइट ऑफ गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो अगर एमपी एक्स है तो कीमत कितनी होगी, 4/5x, और अगर आपके एग्जाम में कैल्सी अलाउड है तो आप डेसिमल में करना प्रेफर करते होंगे तो 0.8x। द शॉपकीपर स्टिल मैनेजेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ, फिर भी शॉपकीपर ने प्रॉफिट बनाया 25% का, तो ये अगर वाई है तो ये कितने हो गए, चाहे ये दोनों में से कुछ भी हो है तो सेलिंग प्राइस। तो क्या मैं इसे ऐसे इक्वेट कर सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस है तो दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस, 4/5x इज इक्वल्स टू 5/4y, अग्री करते नहीं करते, तो ये हो गया x, x कितना हो गया भाई 25/16y। तो जिस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे x दिखाया था ये हो गया 25/16y। तो यूजुअली आपसे क्या बोला जाता है, ये लैंग्वेज ऐसी होती है, इन स्पाइट ऑफ गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% अ शॉपकीपर स्टिल मैनेजेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, बाई व्हाट परसेंटेज हैज ही मार्क्ड अप द गुड्स, 20% का उसने डिस्काउंट दिया तो भी उसको 25% का फायदा हुआ, उसने कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के रखा था अपनी कीमतों, जो सामान बेच रहे उनकी कीमतों को,
ठीक है, तो कितना बढ़ा के रखा था भाई उसने, अब ये तो दिख गया वैसे परसेंटेज चेंज, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज, वैसे आप चाहें तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी दिख रहा है वैसे तो, खैर कोई नहीं। परसेंटेज चेंज क्या हुआ, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये रही आपकी इनिशियल वैल्यू जो है वाई, ये रही आपकी फाइनल वैल्यू जो है 25/16y। तो सर आप फाइनल वैल्यू किसे बोल रहे हैं, इसे 25/16y जो कि कैंसिल हो गया वाई वाई और ये हो गया 1 × 1, इस तरह से अग्री करते हैं। सो अल्टीमेटली अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 9/16 × 100, 8/16 हो गया 50%, 1/16 हो गया 6.25%, तो हो गया 56.25% अपना आंसर आ गया। तो ये अपना आंसर है 56.25%, मेरे ख्याल आपको ये क्लियर हो गया होगा 56.25%। बस एक ही चीज़ को ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो मैं आपको दो सवाल दे रहा हूँ, ये रहा मार्केट प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस और ये रहा कॉस्ट प्राइस। अगर आपको समझ में आ चुका है कंसेप्ट तो इन दोनों को सॉल्व करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। ये रहा पहला क्वेश्चन, सबसे पहला डिस्काउंट ये रहा और ये रहा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ध्यान से सुनिएगा। In spite of giving a discount of 10%, एक शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया, still he manages to make a profit of 20%, तो 20% का ऐसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये पहला केस है। तो आपसे पूछा गया मार्क प्राइस को कितना मार्कअप करके रखा गया, बाई वॉट परसेंटेज हैज ही मार्क्ड अप द गुड्स, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर उस व्यक्ति ने डिस्काउंट दिया है 30% का और स्टिल ही मैनेजेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, सिमिलर सवाल है, बाय व्हाट परसेंटेज हैज ही मार्क्ड अप द गुड्स, फाइन। ये दोनों के दोनों केस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो मैंने आपको बोला, हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैरी की मतलब निकाला जाएगा। और एक मैंने आपको बोला जो मैं सही समय आने पर आपसे फिर से पूछूंगा, और वह मार्जिन परसेंटेज, जिसकी जरूरत डीआई में स्पेशली पड़ती है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 परसेंटेज में कर रहे हैं, तो स्पेशली जो बच्चे एसएससी का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा आपको एक नगेट अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा, इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करके रखिएगा, इससे बहुत सारे कंसेप्ट अभी कनेक्ट होंगे। इसके आगे की चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक ही मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, जो भी है, इसके आंसर के अलावा, आंसर तो आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में, इसके अलावा अपनी तरफ से जो भी आपका ओपिनियन है, फीडबैक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं, मेरी टीम, हम सभी लोग आप लोगों के कमेंट जरूर पढ़ते हैं, जैसा भी कमेंट हो, और उस हिसाब से इसके अलावा आप यही बता सकते हैं, आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी टॉपिक आपका अच्छा है नहीं है, क्योंकि मैं तो एक प्रोसेस के तहत चल रहा हूँ, जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैं वो पहले करता चला रहा हूँ, फाइन। तो आप जहाँ पर भी ये वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे आप यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहाँ पर भी देख रहे होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल MB ट्रेनर सौरभ ठाकुर में आप जा सकते हैं, वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे काम के वीडियोस हैं आपके, चाहे वो इसका एप्टीट्यूड का मतलब क्वांट का वीडियो हो, LR का वीडियो हो, डेटा सफिशिएंसी का वीडियो हो, वोकैबुलरी का हो, चुटकी में चिपका है, जिफी में चिपका है, जिफी तैयार हो गया अपना, वीर ज़ारा, इंटरमिनेबल लव ऑफ वीरन ज़ारा, अनएंडिंग, चिटिया कलाइयाँ, इम्पेकेबल, इमैक्युलेट, प्रिस्टीन कलाइयाँ, तैयार हो गए अपने तीनों वर्ड्स, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब बेदाग, स्पॉटलेस, एपोजी पे अक्षय, पीक पिनाकल को बोलते हैं, समिट पे सचिन, समिट तैयार हो गया अपना। इसी तरह से कंटेंट डेवलपमेंट सेशन हम लोग के आने वाले हैं, जैसा भी बहुत सारा इशू ब्रॉयल कर रहा है, एकदम भयंकर तरीके से बॉयल कर रहा वो इशू है, जैसे कि खशोगी साहब का, जमाल खशोगी साहब, अंततः 18 दिनों के बाद सऊदी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई जमाल खशोगी साहब वॉज किल्ड, और ये चीज़ सऊदी ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके रिपरकशंस क्या होंगे और क्या नहीं होंगे ये हम लोग देखने वाले कंटेंट डेवलपमेंट सेशन में। इसमें बहुत सारे फाइन लाइंस भी हैं, जो MBS मोहम्मद बिन सुल्तान साहब ने कहा कि, तो MBS जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, तो मोहम्मद बिन सुल्तान ने जो कहा कि जो हमारा इस्तानबुल में काउंसलेट ऑफिस है, इस्तानबुल है टर्की में, तो टर्की में सऊदी अरेबिया का जो काउंसलेट ऑफिस है, वो जो ज़मीन है वो सॉवरेन टेरिटरी है सऊदी, सऊदी अरेबिया की, दैट इज़ नॉट अ सॉवरेन टेरिटरी, कम से कम बहुत सारे विद्वानों का तो कहना यही है। दूसरी चीज़, अगर वियना कन्वेंशन 1961 को अगर आप कोट करेंगे साथ में, इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, तो ग्रेव क्राइम के लिए आपको वैसे भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो दुनिया के बहुत सारे ज्ञानी लोगों का कहना है वो ये कहना है, इट वाज अ, कम से कम टर्की का तो कहना यही है, इट वाज अ वेल डिसाइडेड मतलब प्री प्लान्ड कोल्ड मर्डर। तो अभी तो सऊदी ने एक टीम बनाया है, एक कमीशन बनाया है, जो आने वाले 30 दिन के बाद इस जो
जो घटनाक्रम हुआ है इस पर फैसला देगा। तो अभी 30 दिन के बाद देखना होगा कि सऊदी का फैसला क्या आता है। मोहम्मद बिन सुल्तान MBS जो है उस चीज़ को देख रहे हैं। दूसरी चीज़ इस पर US का रिएक्शन क्या होता है। US का रिएक्शन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि US और सऊदी डिफेंस मतलब मिलिट्री और उसके अलावा डिप्लोमेटिक अलायंस है, ये लोग फ्रेंड्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। US बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन सऊदी को बेचता है। अरब कंट्रीज़ में प्रॉपर ग्रिप के लिए US को ज़रूरत है सऊदी अरेबिया की। ईरान को नलीफाई करने के लिए, काउंटर बैलेंस के लिए US को ज़रूरत है सऊदी अरेबिया की। तो ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत है। और उसके अलावा सऊदी अरेबिया के यमन एडवेंचर के लिए US की ज़रूरत सऊदी को भी है। तो देखना पड़ेगा कि ट्रंप साहब और US इनका स्टैंड क्या होता है सऊदी के इस फैसले पे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आने वाले CDS सेशन में सारे के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।